उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। दो दिन से तो बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है कि स्थिति जल स्तर बढ़ ही रहा है, एक मिनट भी जल रुका हुआ नहीं है। कानपुर बैराज से जो जल छोड़ा गया है उसका ही प्रभाव दिख रहा है। पहाड़ों पर जो जल गिरा और वो सब चारों तरफ की नदियाँ इस समय उफान पे हैं, तो उसी से प्रयागराज में जल स्तर बढ़ रहा है। संगम पर पूजा पाठ करने वाले पुजारियों का कहना है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से उन्हें ऊंची जगहों पर जाना पड़ा है। कुछ लोगों ने सावन का महीना करीब आने के साथ कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चिंता भी जताई है। और यहाँ गंगा जी का जल स्तर बहुत तेज से बढ़ रहा है और यहाँ निचले इलाकों वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और पंडे प्रयागवाल भी अपने तखत चौकी भी यहाँ टा रहे हैं और जो है सावन का महीना भी आ रहा है और सावन में यहाँ कोई कवरियों का इंतजाम भी अभी तक नहीं हो पाया है। ये कानपुर से जो पानी छोड़ा गया है और नदियाँ सब उफान पे हैं, इसीलिए यहाँ भी प्रयागराज में भी गंगा जी एकदम उफान पे, जो घाट पे हैं वो सब बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे और गंगा जी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंडे अपने सामान ऊपर लेके आ रहे हैं? हाँ, पंडे लोग जितने हैं सब सामान ऊपर ले जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, साथ ही लोगों को नदी में ज्यादा गहराई में नहीं जाने की सलाह दी है। पानी अभी बढ़ाव पर नहीं है, बहुत हल्का बढ़ रहा है, 1 फुट 1.5 फुट पानी। कुल मिला के अभी एक हफ्ते में 4-5 फुट पानी आया है। अभी सब घाट पूरा खाली है, आवागमन घाट के किनारे से अभी चालू है। कोई ऐसी बाढ़ हालत लग रहा है जिस तरह से बाकी जगहों पर बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, हालात क्या लग रहे हैं? यहाँ तो अभी कमे लग रहा है क्योंकि अब की वजह कुछ कमे पानी यहाँ आएगा। अब बरसात का मौसम तो आ चुका है हमारे बनारस में, काशी में लगातार हर तरफ बारिश हो रही है तो गंगा का जलस्तर लगातार 2 दिन से बढ़ रहा है, तो 2 सीढ़ी पानी अभी तक बढ़ चुका है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है और यहाँ पे जब पुलिस की टीम या हमारे निषाद समाज की टीम यहाँ पे लगातार मुस्तैद है क्योंकि सावन भी आ रहा है। सावन को देखते हुए जो माननीय ऊपर से जो आदेश आया हुआ है कि कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए हमारे काशी में, तो हम लगातार यहाँ पे समाज के लोग हमारे यहाँ पे मुस्तैद है। जिला प्रशासन घाटों पर लगातार नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में जल स्तर खतरनाक लेवल तक बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए तैयार है।